नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने पिछले वीडियो में पूरी यूनिट पर उसकी थ्योरी पर हमने बात की। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपना कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि जब आप इसके प्रश्न उत्तर करके देखोगे तो उस कंसेप्ट को आप अच्छे से लागू कर सकते हो। आप तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर प्रश्न देखते रहिएगा और उस पर विचार कीजिएगा, हम और आप मिलकर उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है अभिकारकों की सांद्रता पर, दूसरा है उत्पादों की सांद्रता पर, और तीसरा ऑप्शन है समय पर, और चौथा ऑप्शन है तापमान पर। अब याद कीजिए दोस्तों, प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका सबसे प्यारा प्रश्न जो है वो ये है भी ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। सांद्रता मोल प्रति लीटर वाली बात, ठीक है। तो इसके आधार पर आप सोचेंगे तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करता है, वो है चौथा ऑप्शन तापमान, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से उन अणुओं के बीच में खूब सारी टक्कर होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। तो विशिष्ट वेग स्थिरांक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसका सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, आरेनियस समीकरण है, आपको छांटनी है भी आरेनियस समीकरण कौन सी है। ऑप्शन है पहला के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, दूसरा है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और तीसरा है डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आप सीधा का सीधा याद रखिएगा, मेरा बताया हुआ है आरएनियस समीकरण है के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ध्यान अच्छे से, ये आरएनियस समीकरण है। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन संख्या 1, लेकिन मैं चाहता हूं वहां पर आप 2 प्रश्न और सीख ले। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, क्या डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये एक समीकरण और दे रखी है। तो मैं चाहता हूं आप इस समीकरण को भी ध्यान में रखें, यह भी अपने आप में पूछी जा सकती है, और इसको कहते हैं गिब्स ऊर्जा समीकरण। यह है गिब्स ऊर्जा समीकरण, आरएनियस वाली पूछे तो 1 नंबर हो जाएगा, यही प्रश्न आ जाए और आपसे गिब्स ऊर्जा समीकरण पूछे तो डेल्टा जी, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, जी यानी मुक्त ऊर्जा, एच क्या है एंथैल्पी, ठीक है, टी टेम्परेचर है, और एस क्या होती है, एस होती है एंट्रोपी, एच है एंथैल्पी, जी है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो गिब्स ऊर्जा की समीकरण है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस है, ध्यान रखिएगा यहां पर टी डेल्टा एस होता है, आप ऐसा कैसा इसको याद रखें, गिब्स ऊर्जा समीकरण है ये। इसी में तीसरा देर का है कि डेल्टा ई बराबर, ये भी आप ध्यान रख लें, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, उष्मा गतिकी वाला जो टॉपिक है वहां से ये ऑप्शन लिया हुआ है, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, ई एनर्जी परिवर्तन है, क्यू उष्मा है और उसकी ऊर्जा है जो उसने अवशोषित की है, डब्ल्यू किया गया कार्य है। ये है दोस्तों उष्मा गतिकी के प्रथम नियम की समीकरण, उष्मा गतिकी के
प्रथम नियम की समीकरण। तो देखिएगा, एक प्रश्न से हमारे तीन प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। डेल्टा ई बराबर क्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये है ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम की समीकरण है, ठीक है। लेकिन अपना जो प्रश्न है दूसरा आरेनियस, उसके अनुसार इसका उत्तर एक नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देखिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ऑप्शन दे रखे हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, दूसरा है प्रति सेकंड, तीसरा है प्रति मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दे रखी है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से मैंने कह रखा है, आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो है प्रति सेकंड, ऐसे भी लिखा आ सकता है और टी माइनस वन भी लिखा हो सकता है, प्रति सेकंड। जो पहला ऑप्शन है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये किसकी है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया की है। तो इस इकाई से हम ये बता देंगे ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और इस इकाई से हम ये बता देंगे जो समीकरण है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर का पूछे तो हम प्रति सेकंड। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन संख्या दो। अब देखिएगा चौथा प्रश्न, वेग स्थिरांक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यही बात, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड निम्न कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा भी, यानी ये जो वेग स्थिरांक की जो इकाई दे रखी है इसके आधार पर आपको यह बताना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कोटि कौन सी है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया इस चीज को पिछले प्रश्न में, ये किस कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो सही आंसर हो गया चौथे ऑप्शन का एक नंबर, यानी शून्य कोटि। पांचवा प्रश्न देखिएगा, उत्प्रेरक का कैटालिस्ट का है। पहला ऑप्शन है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, दूसरा है एक्टिवेशन यानी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, तीसरा है अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको क्लास के अंतर्गत ये बताया है पिछली क्लास में भी, उत्प्रेरक क्या करता है वो ग्राफ याद कीजिएगा भी, ये मूल अभिक्रिया है, आपने धनात्मक उत्प्रेरक डाला ये रास्ता हो गया, ऋणात्मक डाला तो ये रास्ता हो गया। तो ये जो जल्दी संपन्न हो गई, यहां संपन्न हुई, इसका मतलब इतनी एनर्जी चाहिए, आपने उत्प्रेरक मिलाया वो यहां पर संपन्न हो गई, ठीक है। यहां कोई धनात्मक ऋणात्मक की बात है नहीं, तो आपको धनात्मक मानते हुए, यानी उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। तो उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जबकि टेम्परेचर अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है जिससे टक्कर ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, और वो है दूसरा ऑप्शन आपका, पांचवें का सही उत्तर दो नंबर ऑप्शन। छठा प्रश्न देखिएगा आप, छठा प्रश्न है, एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया 2s2+O2 2SO3 में SO2 के अदृश्य होने की दर 1.28×10⁵ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो SO3 के दृश्य होने की दर आपको बतानी है। तो यानी समीकरण देखिए, 2SO2+O2 और बना 2SO3। आपको इसमें SO3 के अदृश्य होने की, अब आपको मैंने बता रखा है वेग, इनके लिखने के लिए D लगाएं या डेल्टा लगाएं, दो है तो आप क्या लिखोगे, 1/2 D बड़ा ब्रेकेट SO2 डेल्टा लगाएं या D बटा में DT बराबर, क्योंकि इनकी मात्रा कम होती है तो माइनस D O2 बटा DT बराबर, ये बनने की दर है तो प्लस में आएगी, 1/2 दो को 1/2 डी एस ओ 3/dt, ये चीज। अब आपको क्या दे रखा है, एस ओ 2 के अदृश्य होने की दर, एक चीज ध्यान रख लेना जब ऐसा प्रश्न आए, ये चीज आपको दी हुई है, ये पूरी नहीं दी हुई, आपको ये चीज दी हुई है, और इसका मान उसने प्रश्न में कितना दिया है, 1.28×10⁵
5। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये भी 2SO2 है और ये भी 2SO3 है, यानी दोनों का गणितीय मान सेम है, तो इसलिए यहां चाहे आप 1/2 पर गौर करें या नहीं करें, क्योंकि दोनों में सेम है। सेम नहीं होता तो आगे जाकर हम बात करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है वहां पर। तो यहां तो दो ही ये लुप्त हो रहे हैं, दो यहां बन रहे हैं, जैसा प्रश्न में कहा है, वो इस पर जिक्र ही नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये लिखने का तरीका तो पता होना चाहिए। हो सकता है इतना ही प्रश्न पूछ ले, भी इसको लिखना पूछ ले, तो ये तो कम होते हैं तो माइनस आते हैं, ये बढ़ता है इसलिए इसके प्लस लगता है। तो इसका मतलब इस पूरे की, क्योंकि दोनों का मान सेम है, इसके टूटने की दर माइनस में, बनने की दर प्लस में है, लेकिन जब हम गणितीय मान लिखते हैं तो प्लस माइनस नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये जो मान है, यही मान किसका प्राप्त होगा, 2SO3 का प्राप्त होगा। तो सही उत्तर क्या हुआ फिर आपका, इसके हिसाब से 4 ऑप्शन, 1.28 × 10⁵5, क्योंकि इसके टूटने की दर और इसके बनने की दर क्या है, सेम है, बराबर है, दोनों में दो दो ही हैं, स्टोकियोमेट्रिक गुणांक जो है। ठीक है, तो इसलिए जो उत्तर इसका होगा वही इसका होगा। तो छठे प्रश्न का उत्तर हुआ बेटा 4 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 7 प्रश्न देखिएगा आप। एक अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया है N2+3H2 2NS3 अमोनिया बनाने वाली हेबर विधि दे रखी है, तो अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, अब इसमें इसने पूरे का नहीं पूछकर, जिसका पूछा है वही ध्यान देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले हम समझ लें इस पूरी को, इस तरीके से लिख लें। तो यहां कुछ भी नहीं है तो आप सीधा लिखेंगे d N2/dt बराबर, इसके भी माइनस लगेगा, अभिकारकों के माइनस और उत्पाद के प्लस, तो ये 1/3 DH2/dt बराबर 1/2 DNH3/dt इसके भी माइनस। अब आप ये देख लें इनके ये माइनस वाले, और कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। तो पहला कह रहा है कि DN2/dt ये लिखा हुआ है, DN2/dt, लेकिन क्या नहीं लगाया हुआ, माइनस नहीं लगाया हुआ, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है कि -DH2 माइनस लगा रखा है, बिल्कुल सही है, DH2/dt, लेकिन क्या लगाया नहीं उसने, 1/3 नहीं लगाया, तो इसलिए जो ऑप्शन 2 है वो आपका सही नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा क्या क्या रहा है कि -1/2 और DNS3, यानी ये सारा लिख के आगे माइनस लगा दिया, लेकिन ये तो उत्पाद है, उत्पाद तो बनता है, तो इसलिए यहां माइनस नहीं आएगा, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तीसरा देखिए कि -1/3 DH2/d2, यानी बिल्कुल यही दे रखा है, तो इसका मतलब 7 प्रश्न का उत्तर हुआ दोस्तों 3 ऑप्शन। इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, मैं अलग अलग तरीका के प्रश्नों पर अभ्यास करवा रहा हूं, मुद्दा सेम ही है। ठीक है, तो 7 का सही उत्तर हुआ 3 ऑप्शन। अब देखिएगा आप 8 प्रश्न, क्या किसी अभिक्रिया में वेग स्थिरांक पर अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पाया गया, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ये मैंने पहले प्रश्न में भी कहा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये, कि किसी अभिक्रिया में वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, और वो एकमात्र कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, नहीं करती। तो सही उत्तर हुआ 8 प्रश्न का 2 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 9 में, क्या एक अभिक्रिया दे रखी है 9 में 2A+B और बन रहा है C+D में, अभिक्रिया की अणु संख्यता मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यानी अणुओं की संख्या। तो मैंने आपको कहा था अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या गिननी है बस, तो इसमें 2A हैं और 1B है, तो टोटल कितने हो गए, 3। अणु संख्यता
सैद्धांतिक होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि प्रैक्टिकली होती है, जो हम देखकर नहीं बता सकते लेकिन अणु संख्यता बता सकते हैं। तो दो और एक तीन अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी अणु संख्यता कितनी हुई, तीन हुई। और तीन कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन पर ही लिखा हुआ है, तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हुआ तीन नंबर ऑप्शन। और अब बात करते हैं दसवां प्रश्न। एक अभिक्रिया निम्न प्रकार हो रही है, समीकरण है 2NO2 2NO प्लस O2। यदि NO2 के सांद्रण के घटने की दर 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस 12 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो ऑक्सीजन के सांद्रण के बढ़ने की दर क्या होगी। 3 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और चौथा ऑप्शन 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे ये किया था सेम इसी तरीके से। मैंने कहा था ना इन दोनों की मात्रा बराबर है, तो जो इसका ऑप्शन था ये आपका प्रश्न संख्या थी छठा प्रश्न। आप दसवां प्रश्न करें तो छठे को आप दोबारा जरूर देखें, इसमें और उसमें क्या फर्क है, छठे और दसवें को तुलना जरूर कीजिएगा। अब यहां पर एक समीकरण लिख रहा है वो 2NO2, ये टूट रही है 2NO प्लस O2 के अंतर्गत, 2NO2 2NO प्लस O2। यदि NO2 के सांद्रण के घटने की दर, इसके घटने की दर बता रखी है उसने 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस 12 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो ऑक्सीजन के सांद्रण के बढ़ने की दर ये बतानी है। इसने सारा नहीं पूछ के, इसके घटने की दर और इसके बनने की दर वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब वही तरीका आपको जो दिया गया है, आप पहले इसको लिख लें ऑप्शन में 1/2 DNO2, और जो अभ्यास हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये कम होगा माइनस बराबर, ये उत्पाद है दोनों, तो प्लस 1/2 DNO2 / DT / प्लस DO2 / DT। ये चीज भी इसका संबंध ये है वेग व्यंजक के रूप में, ठीक है। अब आपको उसने क्या दिया, मैंने कहा जैसे इसका मान दिया था छठे प्रश्न में जो आपको दे रखा था 1.28 वाली बात, लेकिन ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, तो इसलिए जो इसके टूटने की दर और बनने की दर सेम थी। लेकिन यहां देखिए, यहां NO2 के आगे 2 है तो हमने उसको 1/2 लिखा है, जबकि O2 के आगे कुछ नहीं है, एक है ये, इसलिए सीधा यही उत्तर नहीं हो सकता। ये जो मान आपको दिया गया ये इसका है, तो यानी ये क्या हुआ, तो इसका मतलब इसकी जगह ये मान लिख दें 1/2 गुणा 6.0 या 6 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इसके साथ उसने हमसे संबंध पूछा नहीं है तो छोड़ दो, ये इसके बराबर है DO2/DT, इसका मान ये पूछा है हमसे, तो ये किसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ। तो अब आप कटने वाले को काट दीजिएगा 3.0, 2 को 6 पे भाग दिया 3, तो उत्तर क्या आ गया। और इस जब गणितीय मान करते हैं तो आपको पता है चिन्ह नहीं लगाना है, तो उत्तर क्या हुआ, 3 या 3.0 गुणा 10 की पावर माइनस 12 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये ऑप्शन आपको देखना है। तो ये किस में दे रखा है दोस्तों, पहले में ही दे रखा है, एक नंबर में ही। तो दसवें का सही उत्तर हुआ एक। तो दोस्तों ये था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने अभ्यास किया है, ताकि आपको उन टॉपिकों को समझने में भी आसानी रहे। अगर किसी बच्चे की दिक्कत है तो मैं कहता हूँ आप पहले इन प्रश्नों को कर लें, फिर वापिस जो थ्योरी वाला वीडियो है दोनों वो आप देख लें, फिर आप इनको करके देखिएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आपके अगर प्रश्न आए तो जो मैंने ये तरीके बताए हैं 10 के अंतर्गत 10 तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इसी पर आधारित आपके प्रश्न है वो परीक्षा में आ जाएगा। तो आप पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।